तो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, फैंस को बड़ी बेसब्री से इंतजार था बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था का। फाइनली ये फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को सबसे बढ़िया बात तो ये है कि शानदार रिस्पांस मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हर कोई अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था की तारीफें कर रहा है। फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में पहला दिन चल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म आज अपने पहले ही दिन कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा, और सरफिरा फिल्म ने सिनेमाघरों में 21 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। फिल्म को रिलीज हुई आज सिनेमाघरों में 22वां दिन चल रहा है। तो सरफिरा फिल्म अपने पहले 22 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई कर रही है, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था आज अपने पहले दिन कितनी बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है, तो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को और बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर बात करें सरफिरा फिल्म की तो ये एक हिंदी लैंग्वेज की ड्रामा फिल्म थी जो कि साल 2020 में रिलीज हुई तमिल की फिल्म सूरराय पोत्रु, उसी फिल्म का ऑफिशियल रीमेक थी अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा, जिसको डायरेक्ट किया था सुधा कोंगारा ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था अरुणा भाटिया, विक्रम मल्होत्रा, ज्योतिका और सूर्या ने। फिल्म में हमें अक्षय कुमार, परेश रावल और राधिका मदन अहम किरदारों में नजर आए थे और फिल्म का जो बजट था ऑफिशियली वो लगभग 55 करोड़ रुपए का था। लेकिन दोस्तों, बात करें सरफिरा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो उतना ज्यादा इंप्रेस तो अभी तक इस फिल्म ने नहीं किया है। हालांकि सरफिरा के साथ और भी, जैसे कि कमल हसन साहब की इंडियन 2 भी रिलीज हुई थी और कल्कि ने तो अभी तक धमाल मचा रखा है। तो सरफिरा फिल्म के अगर कलेक्शन की हम बात करें तो फिल्म की जो ओपनिंग रही थी पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे की, वो रही थी 2.5 करोड़ रुपए की। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 5 करोड़ रुपए का। फिल्म को 3 दिनों का वीकेंड मिला था, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो अपने 3 दिनों के वीकेंड पर फिल्म सरफिरा ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी। वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो लगभग 19 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। उसके बाद 15वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 20 लाख रुपए का, 16वें दिन फिल्म ने कमाए थे 50 लाख रुपए और 17वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 65 लाख रुपए का, 18वें दिन फिल्म ने कमाए थे 10 लाख, 19वें दिन फिल्म का कलेक्शन था 10 लाख और 20वें दिन भी फिल्म के नाम रहे थे 10 लाख। तो 20 दिनों में फिल्म सरफिरा ने 25 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई इंडिया से नेट कर ली थी। वहीं फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 32 करोड़ रुपए का था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 7 करोड़ रुपए और कुल मिला के फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 39 करोड़ रुपए की कमाई पूरे वर्ल्ड से कर ली थी अपने पहले 20 दिनों में। उसके बाद 21वां दिन यानी कि कल फिल्म ने कमाए 8 लाख रुपए और जहां एक तरफ औरों में कहां दम था रिलीज हो चुकी है तो आज 22वें दिन भी सरफिरा कम से कम 10 लाख रुपए कमा रही है और 22 दिनों में फिल्म सरफिरा टोटल 25 करोड़ 48 लाख रुपए इंडिया से नेट कर लेगी। तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 39 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। हालांकि अक्षय कुमार की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन चलिए बात करते हैं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म औरों में कहां दम था की, क्योंकि अजय देवगन की फिल्में अगर बढ़िया होती है तो इनकी फिल्में सिनेमाघरों में लंबे टाइम तक चलती है। दृश्यम 2 आपने देखी थी, उसके बाद शैतान ने तो कमाल ही कर दिया था। हालांकि इनकी जो पिछली फिल्म थी मैदान बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी। लेकिन अब बारी है औरों में कहां दम था की, जिसको सिनेमाघरों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये एक हिंदी लैंग्वेज की लव स्टोरी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया है शीतल भाटिया ने। फिल्म में हमें अजय देवगन, तब्बू और साइमान शेखर, जिम्मी शेरगिल अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म का ऑफिशियल बजट अभी तक नहीं पता चला है लेकिन 60 से 70 करोड़ रुपए फिल्म का बजट हो सकता है। अगर फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो दोस्तों, औरों में कहां दम था फिल्म ने अपने फर्स्ट डे के लिए जो एडवांस बुकिंग की थी वो लगभग 50 लाख रुपए की थी। हालांकि ये उतनी बड़ी एडवांस बुकिंग नहीं थी, ये उतने बड़े नंबर नहीं थे क्योंकि फिल्म को लेकर उतना ज्यादा क्रेज हमें देखने को नहीं मिला, फिल्म की उतनी ज्यादा हाइप नहीं थी। लेकिन अभी फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर कोई तारीफें कर रहा है, तो मुझे लगता है कि लंबे टाइम तक ये फिल्म सिनेमाघरों में चलने वाली है। तो आज अपने पहले दिन फिल्म अजय देवगन की जो औरों में कहां दम था है ये कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए की आज अपने फर्स्ट डे पर ओपनिंग ले रही है जो कि एक बढ़िया ओपनिंग है। और अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा की 2.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग का रिकॉर्ड ये अपने नाम कर रही है, यानी कि
अजय देवगन की फिल्मों में कहां दम था, ये सरफिराज से बड़ी ओपनिंग लेने में कामयाब हो रही है। लेकिन यहां पे फिल्म का जो वीकेंड है, सैटरडे आने वाला है, सैटरडे और संडे भी बाकी है, तो मुझे लगता है कि तारीफों का खुल के फायदा मिलने वाला है फिल्मों में कहां दम था का, और अपने वीकेंड पर एक शानदार कलेक्शन करने में ये फिल्म कामयाब रहेगी। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपने फिल्म देख ली है औरों में कहां दम था, तो कैसी लगी आपको ये फिल्म, अपना रिव्यू कमेंट में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।